हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही वाले गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज़ के गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है और यहाँ पे चूल्हे पर हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया था। अभी कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज के आलू को टुकड़ों में काट कर लिया है और अभी पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है और अभी इसमें हम डाल देंगे आलू के टुकड़े। साथ ही में डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर को अच्छे से आलू के साथ मिला लेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आलू को हमें फ्राई करना है। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अभी इनको हम तेल से निकाल लेते हैं। और अभी कढ़ाई में जो बचे हुए तेल है उसी में हम डाल देंगे गोभी के टुकड़े और इनको 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। गोभी हल्का फ्राई हो चुके हैं, अभी इनको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। और अभी कढ़ाई में हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच तेल और साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच घी। और अभी तेल में हम डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 क्रश बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ता और इनको 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। साबुत मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अभी हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अभी हम डाल देंगे 1 टमाटर का पेस्ट, यहाँ पे हमने 1 बड़ा टमाटर लिया है। और अभी गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे और मसालों का 1 पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बर्तन में हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पेस्ट, साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। और अभी इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला का पेस्ट बिल्कुल तैयार है और अभी इसे हम डाल देंगे तेल में। और अभी इनको हम भुनेंगे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अभी इसमें हम डाल देंगे दही। लगभग 1 कटोरी दही हम यहाँ पे डाल रहे हैं और ये वाली जो दही है वो खट्टी दही है। और अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे।
और साथ ही में डाल देंगे चुटकी भर हींग। और अभी हम डाल देंगे आलू और गोभी। और अभी इनको मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और अभी हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। और अभी इनको हम ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन उठा लेते हैं। और अभी हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लीजिए, तैयार हो गया है हमारा दही वाली गोभी की सब्जी। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।